हेलो जय, नमस्कार दोस्तों, आप से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और यूट्यूब वीडियो में। अब तीन फिल्में आज रिलीज हुई हैं और मैं सुबह मैंने जो फाइटर की अपडेट दी थी उसमें मैंने बताया भी था कि मैं अभी इंदौर आया हूँ काफ़ी लंबे समय बाद। और मेरा हालांकि मन था कब्जा देखने जाने का, मेरा मन था और कब्जा के यहाँ पर ठीक ठाक शो भी है, तो मैं सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए, बहुत लंबा समय हो गया इंदौर में कोई मूवी नहीं देखी। अगर आखिरी मूवी जो मुझे याद आती है वो मैंने शायद से KGF देखी थी, 14 अप्रैल की वो बात है, वो आखिरी मूवी मैंने इंदौर के अंदर देखी थी और अब अप्रैल आने को है। तो मेरा मन भी था यार सुबह से, लेकिन बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। रात भर ट्रैवल किया, सोया नहीं, सुबह आके घर पे 2-3 घंटे सोया, फिर वो नींद मज़ा नहीं आता दिन वाली नींद में, तो फिर मन ही नहीं हुआ। फिर शाम तक आते आते रिव्यूज़ भी आने स्टार्ट हो गए थे, वो देख लिए तो फिर तो और ही ज़्यादा मन नहीं हुआ। तो आज का कोई रिव्यू वगैरह नहीं होने वाला, रिव्यूज़ ऑफ रिव्यू बोलने वाले हैं आज के इस वीडियो को। वो जितने रिव्यू आए हैं उनको थोड़ा मेजर करने वाले हैं, क्योंकि तीन फिल्में आई हैं तो थोड़ा बात करना बनता है। एक जोगेटो आई है जिसके बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, काफ़ी ठीक आ रहे हैं, इतने ज़्यादा गंदे नहीं आ रहे हैं। उसको शो नहीं मिले हैं यहाँ पे, उसके शो नहीं है। मैंने उसका भी देखा था कि मैंने चलो एक मूवी तो कोई देख के आ जाए, बड़े लंबे समय बाद मन भी कर रहा था, लेकिन बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी कि जाके वहाँ पर 2 घंटे या 2.5 घंटे में बैठ पाऊँ, तो इस वजह से वो जा नहीं पाया। और एक रानी मुखर्जी की बड़ी अच्छी मूवी आई है, काफ़ी चर्चा है उसके लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये उनकी मूवी आने वाली है, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे ऐसा कुछ टाइटल है उस मूवी का। काफ़ी लोग अच्छी बता रहे हैं, फैमिली एंटरटेनर बता रहे हैं, एक सोशल मूवी उसको नाम दिया जा रहा है। तो तीन फिल्में आज आई हैं, आज बड़ी बड़ी तीन फिल्में आई हैं। सबसे पहले कब्जा की थोड़ी बात करेंगे। कब्जा मैंने बोला ही था जब इसका पहला लुक आया था, टीजर आया था, मैंने बोला था ये सबसे चीपेस्ट कॉपी लग रही है KGF की, और रिव्यूज भी कुछ उस तरह के आ रहे हैं, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उस मूवी को कि मैं उसको जाके देखूं। हालांकि देखूंगा जरूर, हमारा काम है देखना और ऑनेस्ट रिव्यू देना। हालांकि मैं बिना देखे भी रिव्यू दे सकता था BHT TV वाले की तरह, लेकिन वो कभी मेरे अंदर से जवाब नहीं आया, तो देखूंगा मैं जरूर एक बार। देखे तो कि मतलब कैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया है KGF को कॉम्पीट करने की, मतलब कहाँ से ये उनके अंदर गुर्दा आया कि KGF जैसी मूवी, KGF जैसे ब्रांड को उससे इंस्पायर्ड होकर आप मूवी बना रहे हो, कैसी मूवी उन्होंने बनाई है। कुछ चीज़ें देखते हैं कि उसमें डिफरेंट होंगी कि नहीं होंगी। हालांकि रिव्यू बहुत ज़्यादा गंदे आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, कई कई जगह तो शो भी कैंसिल हो गए हैं, 4-4, 5-5, 15-15, 15-20 लोग जो है वो देखने जा रहे हैं, इतना बुरा हाल है। तो वो मार्केटिंग को भी आप उसका ठीकरा उसके सर फोड़ सकते हैं मार्केटिंग के। और बाकी तो बच्चा पुचा मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले दिन से कि ये KGF की सबसे चीपेस्ट कॉपी मुझे लग रही है। फिर जो दूसरी मूवी आज से की डेट में आई है, जुगेटो कपिल शर्मा की, दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉमेडियन जो सबको हंसाता है, लोगों के रिव्यू से ऐसा पता चल रहा है कि लोग रोए हैं आज उसकी मूवी देख के। और मैंने तो देखो 6 महीने पहले जब इसका टोरंटो फिल्म फेस्टिवल या भूषान फिल्म फेस्टिवल क्या था, हाँ TIFF, उसमें जब प्रीमियर किया था और जब वो पहला लुक निकल के आया था, मैं तभी इतना इमोशनल हो गया था उस पूरे क्लिप को देख के। मैंने उसी दिन ये दावा कर दिया था ये मूवी बहुत हार्ट हिट करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट हिट करने वाली है। एक कॉमन डिलीवरी बॉय के जो डिलीवरी करने आता है, हम सिर्फ उसका खा के अय्याशी करके एंजॉय करके उसको 4 गालियाँ भी, क्योंकि ऐसे महानतम लोग होते हैं 4 गालियाँ भी कर दे देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मतलब आम दिन केस आते रहते हैं, एक वो लड़की लखनऊ वखनऊ की कहाँ की थी, उसने जोमेटो वाले पे क्या इल्ज़ाम लगाए थे, वो वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। ये सीन होता है, ये ऐसा बर्ताव हमारे देश में होता है, डिलीवरी बॉय जो होते हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा होता है। उसके पीछे की क्या कहानी है वो नंदिता दास ने इस मूवी के जरिए हमें दिखाने की कोशिश करी है। तो मेरा इसलिए और पर्सनली कि इसको तो मैं देखूंगा, जुगेटो तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन कब्जा से थोड़ा सा मन मेरा हट गया है कि कब्जा जाके मैं देखूं कि नहीं देखूं। जुगेटो तो मैं देखूंगा, कपिल शर्मा के लिए भी देखूंगा और इसका जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी देखूंगा, और प्लस इसका इसकी जो डायरेक्टर है नंदिता दास, उनका जो विजन है, पिछली कुछ एक दो मूवी मैंने उनकी देखी है जब से मैंने मूवी को ज़्यादा समझा है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, तो मेरा बहुत सारे मेरे रीजन है जुगेटो को देखने का। तो होपफुली कल देख लेंगे सारी मूवी, एक दिन लेट हो गए। और मेरा थोड़ा पर्सनल ऐसा था कि एक बार फिर से मैं मतलब अभी सब लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या सीन चल रहा है, तो मैं एक शुरुआत जो है वो एक कोई अच्छी मूवी से करना चाहूँगा जो कि मुझे भोला लगती है। तो मेरा एक मन ये भी था कि सीधा आप भोला जाके देखूंगा, भोला के बाद एक भी मूवी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारी अपडेट सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी भोला के बाद, शुरुआत भोला से करते हैं, ये के भी दिल में था। लेकिन चलिए ठीक है, कल देखते हैं क्या मूड रहता है, सुबह उठ के थकान वकान खत्म होती है तो जरूर से जुगेटो जाके एक बार देख लेंगे। बाकी भोला से अपन फिर से फॉर्म में आने वाले हैं, महादेव का नाम लेके, महादेव के नाम के ऊपर मूवी है। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट, जैसे अभी आप लोगों ने सपोर्ट किया, 20 तारीख को मेरी स्ट्राइक बैठ जाएगी, एक वही उम्मीद है कि 20 को स्ट्राइक हटे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन इस चैनल का रहता है। मतलब अभी 3 महीने जो स्ट्राइक पड़ी थी हमारे चैनल पर,
उसमें तो कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब जिसको एंजॉय कर सकें, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके मेरा। आप लोगों के जरिए जो एक दो कमेंट आ जाते थे, जो बहुत सारे भाई हैं जो सपोर्ट कर देते थे, उनके वजह से अभी तक चलता चला आया है। अब 20 के बाद असली खेल शुरू होगा, असली चीज़ समझ में आएगी कि ये चैनल के साथ हो क्या रहा है, क्या नहीं होने वाला है, वो 20 के बाद पता चलेगा। और 20 के बाद ही भोला आनी है। तो मेरी तो यही है कि महादेव के नाम से, महादेव की मूवी से एक फिर से एक और फ्रेश शुरुआत करी जाए और आगे आप लोगों को शिकायत का बहुत बिल्कुल भी मौका ना दिया जाए, क्योंकि इन 10-8 महीनों में मैंने बहुत एक्सक्यूजेज आप लोगों को दिए हैं, बहुत शिकायतें मैंने करी हैं। तो अब यही कोशिश रहेगी कोई शिकायत, कोई एक्सक्यूज जो है वो मेरी तरफ से आप लोगों को ना मिले। तो बस प्यार और सपोर्ट बना के रखना। कल देखेंगे, अगर जोगेटो देखी, जुगाड़ लगती है तो जोगेटो देखूंगा, कब्जा भी देखूंगा, ऐसा नहीं है, कब्जा भी देखूंगा। और मिस्टर चटर्जी वैसे नॉर्वे के तो यहाँ पे एक भी शो मुझे दिखा नहीं अभी तक, फिर भी देखूंगा, ट्राई करूंगा। लेकिन भोला से एक बार फिर से हम रंग में आएंगे। तो बस हर हर महादेव लिख दीजिए कमेंट में, और ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी ने वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।